थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के वीर सपूतों के बलिदानों से 1947 में आज ही के दिन भारत के नवीन इतिहास की रचना हुई थी, जिसका गायन युगों युगों तक होता रहेगा। राष्ट्र के सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य राष्ट्र भक्तों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विधायक सुभाष सुधा मंगलवार को अनाज मंडी पेहवा के प्रांगण में उपमंडल स्तर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उपमंडल वासियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके उपरांत विधायक सुभाष सुधा ने स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था, परिवर्तन और सुशासन के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। मुख्य अतिथि विधायक थानेसर सुभाष सुधा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हेडवे पब्लिक स्कूल के बच्चे गुरबख्श सिंह को जिम्नास्टिक प्रस्तुति पर 1100 रुपए की राशि देकर सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से 37वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही मेरी रोटी यहाँ पर पेवा में लगी थी, पेवा के अंदर किस प्रकार से बच्चों के अंदर मैंने आज देखा हुनर, उनके अंदर किस प्रकार से उनके अंदर कॉन्फिडेंस, छोटे बच्चों के अंदर किस प्रकार से उन्होंने आपके सामने एक कार्यक्रम की स्थिति करी इकती धूप के अंदर। मैं उनका दिल की गहराई से बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पे हमारे यहाँ पर संग्राम जी, जो हमारे अपना एस टी साहब है, प्रदीप जी DSP, इतना मैं कहूँगा अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया, अत्यंत इनसे धन्यवाद करता हूँ। देखिए देश के प्रति किस प्रकार से प्यार उभर रहा है, जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं, और साथ में अगर ये देन है तो शहीदों की देन है, तो बहुत बड़ी बात है। इन शहीदों को हम प्रणाम करते हैं और साथ में ये कहूँगा हमारे शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए, तो उनके मार्गदर्शन पर हमें देश से प्यार करना चाहिए।